हेलो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेडिकेशन एरर। जो हम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन पढ़ रहे हैं उसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेडिकेशन एरर। मेडिकेशन एरर आर अनइंटेंडेड मिस्टेक्स इन द प्रिस्क्राइबिंग, डिस्पेंसिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ मेडिसिन दैट कुड कोज हार्म टू ए पेशेंट। तो मेडिकेशन एरर क्या होता है, क्या मतलब होता है मेडिकेशन एरर का, कि जब हम जो मेडिसिन है उसका जब उसका उसको वो जब प्रिस्क्राइब की जा रही है या डिस्पेंसिंग की जा रही है या एडमिनिस्टर की जा रही है, उस समय अनइंटेंडेड मिस्टेक होना, ठीक है, उसको जिसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट को हार्म होगा, ठीक है, तो ये मेडिकेशन एरर कहलाता है। मेडिकेशन एरर को अकर एट ऑल स्टेज ऑफ द मेडिकेशन, मतलब जो भी मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस की जो स्टेज थी उसमें किसी भी स्टेज में एरर हो सकता है। तो मेनली फोर टाइप के मेडिकेशन एरर होते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन। सबसे पहले होता है प्रिस्क्रिप्शन एरर, एग्जांपल रोंग ड्रग और डोज, मतलब जब मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जा रही है उस समय रोंग या तो गलत दवाई लिखना या फिर गलत डोज लिख देना, ठीक है। या दूसरा होता है ट्रांसक्रिप्शन या इंटरप्रिटेशन एरर, इसमें क्या होता है कि मेडिसिन जो लिखी है उसको समझने में गलती कर देना, ठीक है, जैसे कि मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ एब्रीविएशन, जैसे कि गलत पढ़ लेना मेडिसिन को या फिर डोज को गलत पढ़ लेना, ठीक है। थर्ड होता है प्रिपरेशन एरर। प्रिपरेशन एरर का क्या मतलब है कि जब हम डोज तैयार कर रहा होता है स्टाफ, तो जो डोज प्रिस्क्राइब की गई है उसके अकॉर्डिंग जब डोज तैयार कर रहा होता है तो उस दौरान कैलकुलेशन में गलती होना। फोर्थ होता है एडमिनिस्ट्रेशन एरर। एडमिनिस्ट्रेशन, जब ड्रग एडमिनिस्टर की जा रही है पेशेंट पे उस समय गलती होना, तो वो एरर कैसे हो सकती है, या तो रॉन्ग डोज दी जाए या फिर रॉन्ग टाइम पे दी जाए या फिर ओमिशन और एडिशनल डोज या फिर एडिशनल एक्स्ट्रा डोज दे दें या फिर कम डोज दे दें, ठीक है। मोस्ट मेडिकेशन एरर अकर ड्यूरिंग द एडमिनिस्ट्रेशन स्टेज, ठीक है, ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन स्टेज ही मोस्ट जो मेडिकेशन एरर होता है वो मोस्ट ऑफ उसी टाइम होता है जब मेडिकेशन एडमिनिस्टर की जाती है। या उसके बाद में हम देखते हैं कि प्रोसीजर किस तरह से हम मेडिकेशन को एडमिनिस्टर कर सकते हैं पेशेंट में। सबसे पहले है इंटरनल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इंटरनल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन द डिलीवरी ऑफ एनी मेडिकेशन दैट इज एब्जॉर्ब थ्रू द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो इंटरनल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, जो कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के थ्रू जो ड्रग एब्जॉर्ब हो तो उसको इंटरनल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। इसके अंदर क्या आता है, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन आता है। तो ओरल मेडिकेशन आता है। ओरल मेडिकेशन कैन बी बाय इंजेक्शन, ठीक है, इंजेक्शन के द्वारा, सबलिंगुअल के द्वारा दे सकते हैं। जो सबलिंगुअल क्या होता है कि जो प्लेस द पिल एंड डायरेक्ट स्प्रे अबाउट द अंडर साइड द टंग, ठीक है, जो टंग के नीचे अंडर साइड पे डायरेक्ट पिल को रखना या फिर डायरेक्ट स्प्रे करना, ठीक है, या फिर फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी और बक्कल कैविटी, जैसे कि प्लेस द मेडिकेशन बिटवीन द पेशेंट चीक्स और गम्स, ठीक है, पेशेंट के चीक और गम के बीच में मेडिकेशन को रखना, ठीक है। तो ये ओरल मेडिकेशन जो होता है वो के टाइप होते हैं कि जो ओरल मेडिकेशन वो या तो इंजेक्शन की जाए या फिर सब लिंगुअल दी जाए या फिर बक्कल कैविटी के थ्रू दी जाए। उसके बाद में ओरल मेडिकेशन के लिए क्या क्या हमको सामान चाहिए होता है, ट्रे और ट्रॉली शुड बी सेट विद ड्रग टू बी एडमिनिस्टर, दो ड्रग हमको देनी है वो चाहिए, वाटर इन ए जग, ग्लास ऑन ए सोसर्स ऑल इन द ट्रे, स्पूंस, मार्टन और पेस्टल व्हेन नेसेसरी, मार्टन और पेस्टल मतलब जो कभी कभार हमको ड्रग टेबलेट है वो हमको पीस के देनी होती है, उसका पाउडर लाइक फॉर्म में देनी होती है, तो उसको पीसने के लिए टैबलेट को
ठीक है। और उसके बाद में टॉवल, स्ट्रॉ, स्पैचुला और पेशेंट फोल्डर या ट्रीटमेंट चार्ट एंड पेन। उसके बाद में गैस्ट्रिक ट्यूब एडमिनिस्ट्रेशन, जो गैस्ट्रिक ट्यूब जो लगी होती है उसके द्वारा भी मेडिकेशन को एडमिनिस्टर किया जा सकता है, ठीक है। गैस्ट्रिक ट्यूब प्रोवाइड असेस डायरेक्टली टू द जीआई सिस्टम। उसके बाद में पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन, पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन कैसे करते हैं? पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन बाय इंजेक्शन इनटू बॉडी टिश्यू, ठीक है। जब बाय इंजेक्शन के थ्रू बॉडी टिश्यूज में मेडिकेशन एडमिनिस्टर करना, व्हेन मेडिकेशन आर एडमिनिस्टर दिस वे इट इज़ एन इन्वेजिव प्रोसीजर, ठीक है। ये एक इन्वेजिव प्रोसीजर होता है दैट इज़ परफॉर्म यूजिंग एसेप्टिक टेक्निक, ठीक है। क्योंकि ये इन्वेजिव प्रोसीजर होता है इसलिए इसको एसेप्टिक टेक्निक के द्वारा ही इसको परफॉर्म किया जाता है, एसेप्सिस का भी इसमें ध्यान रखा जाता है। इक्विपमेंट क्या क्या चाहिए टू एडमिनिस्टर पेरेंटल मेडिकेशन? नर्स यूज सीरीज नीडल टू विदड्रॉल मेडिकेशन फ्रॉम एम्पुला और वायर। सीरीज हैव थ्री पार्ट। सीरीज के बारे में देखते हैं, सीरीज जो है उसके थ्री पार्ट होते हैं, टॉप, टिप, बैरल और प्लंजर। तो जो टिप होती है वो क्या होती है, जो सीरीज के आगे का पार्ट होता है जिसके साथ निडल कनेक्ट होती है, ठीक है। बैरल क्या होता है, बैरल या फिर आउटसाइड पार्ट होता है, ठीक है, जिसके अंदर मेडिसिन फिल होती है, ठीक है, और जिसके ऊपर स्केल्स लगे होते हैं, स्केल्स प्रिंट होता है, मतलब कितने ml जो भी स्केल्स होता है, कितने मतलब जो अमाउंट जो देखी जाती है मेडिसिन की, जिसके द्वारा वो स्केल्स यहाँ पे प्रिंट होता है। उसके बाद में प्लंजर, तो प्लंजर क्या होता है, फिट इनसाइड द बैरल, जो बैरल के इनसाइड में फिट होता है उसको प्लंजर बोलते हैं। उसके बाद में सेवरल काइंड ऑफ सीरीज आर अवेलेबल इन डिफरेंट साइजेस सेफ मटीरियल। सीरीज रेंज इन साइज फ्रॉम 1 to 60 ml, 1 to 60 ml की सीरीजेस के साइज अलग अलग साइज में मिलती है। द नर्स टिपिकली यूज सीरीज रेंजिंग 1 to 3 ml, जो नर्स है वो 1 to 3 ml के साइज को ही यूज करती है इंजेक्शन के लिए, चाहे तो वो सबक्यूटेनियस देना हो या फिर IM देना हो। इंसुलिन सीरीज आर अवेलेबल इन साइज दैट होल्ड 0.3 to 1 ml एंड आर कैलिब्रेटेड इन यूनिट, ठीक है। जो इंसुलिन सीरीज होती है वो कितना, 0.3 से लेकर 1 ml तक मेडिसिन को उसमें होल्ड रख सकती है, ठीक है। उसकी कैपेसिटी होती है 0.3 से 1 ml की इंसुलिन सीरीज की, और ट्यूबरकुलिन सीरीज की कैपेसिटी भी 1 ml होती है, ठीक है। तो इसमें ये डिफरेंट साइज की सीरीजेस दे रखी है, सबसे फर्स्ट है वो है 5 ml की सीरीज, सेकेंड है 3 ml सीरीज, उसके बाद में ट्यूबरकुलिन सीरीज एंड उसके बाद में है इंसुलिन सीरीज। उसके बाद में नीडल, द मोस्ट नीडल आर मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील की बनी होती है नीडल, ठीक है, और आर डिस्पोजेबल, ठीक है। डिस्पोज एक बार इसको यूज करने के बाद डिस्पोज कर दिया जाता है। नीडल आर थ्री पार्ट, नीडल के भी थ्री पार्ट होते हैं, हब, शाफ्ट एंड बेवल। तो हब क्या होता है, हब जो कि सीरीज के साथ, सीरीज की टिप के साथ फिट हो, ठीक है, वो हब होता है। उसके बाद में शाफ्ट, तो शाफ्ट क्या होती है कि जो हब के साथ कनेक्ट हो वो शाफ्ट होती है, और बैरल क्या होता है, टिप ऑफ नीडल। उसके बाद में नीडल साइज, नीडल भी वेरियस साइज में आती है, ठीक है, जैसे कि छोटी से लेके बड़ी तक साइज होती है, जैसे कि इसमें सबसे बड़ी साइज है 19 gauge, ठीक है, जो कि जिसकी लेंथ भी ज़्यादा होती है और वेट में भी मोटी होती है, ठीक है। उसके बाद में 20 gauge की, उसके बाद में 21 gauge की, उसके बाद में 23 gauge की, और सबसे छोटी 25 gauge की। द गेज वेरीज फ्रॉम 18 to 30, जो गेज, जो नीडल का गेज होता है वो 18 से लेकर 30 gauge तक की जो नीडल है वो अवेलेबल होती है। यूज लॉन्गर नीडल फॉर IM इंजेक्शन, ठीक है, IM इंजेक्शन के लिए लॉन्गर नीडल यूज में ली जाती है, और सब क्यूटीनियस इंजेक्शन के लिए शॉर्ट नीडल यूज में ली जाती है। उसके बाद में प्रिवेंटिंग नीडल स्टिक इंजरी,
जो नीडल स्टिक इंजरी होती है, ठीक है, कई बार इंजेक्शन लगाने के बाद में स्टाफ को ही वो यूज़ की हुई नीडल प्रिक हो जाती है, ठीक है। तो उसको प्रिवेंशन के लिए क्या क्या किया जा सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट पोटेंशियल हैजार्डियस प्रोसीजर दैट हेल्थ केयर पर्सोनल फेस इज यूजिंग एंड डिस्पोजिंग द नीडल एंड शार्प, ठीक है। तो जो नीडल स्टिक इंजरी, ये बहुत मोस्ट पोटेंशियल हैजार्डियस प्रोसीजर्स हैं, प्रोसीजर के दौरान होने वाली इंजरी है, ठीक है, जो कि हेल्थ केयर पर्सोनल ही इसको फेस करता है। किस दौरान करता है? जिस समय यूज हो रही है नीडल और जिस समय इसको डिस्पोज किया जा रहा है नीडल को, ठीक है। उसके बाद में नीडल स्टिक इंजरी प्रेजेंट ए मेजर रिस्क फॉर इंजेक्शन इन्फेक्शन विद, मतलब जो नीडल स्टिक इंजरी है वो जिसमें मेजर रिस्क ऑफ इन्फेक्शन किसका होता है, एक तो हेपेटाइटिस बी का होता है और एक एचआईवी का इन्फेक्शन ज़्यादा होता है नीडल स्टिक इंजरी में, ठीक है। और भी अदर पैथोजेंस का इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन इन हेपेटाइटिस बी और एचआईवी का जो इन्फेक्शन अगर नीडल स्टिक इंजरी के दौरान हो जाए तो ज़्यादा डेंजरस है। यूज एप्रोप्रिएट पंचर प्रूफ डिस्पोजल, ठीक है। तो नीडल स्टिक इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए पंचर प्रूफ डिस्पोजल का एप्रोप्रिएट यूज करना चाहिए, ठीक है। जो कंटेनर टू डिस्पोज एंड कैप नीडल एंड शार्प, मतलब जो वाटर पंचर प्रूफ डिस्पोजेबल कंटेनर होता है, ठीक है, उसका ही यूज करना चाहिए। उसके अंदर ही जो अनकैप्ड नीडल होती है और शार्प्स होते हैं उनको डिस्पोज करना चाहिए। नेवर थ्रो शार्प इन वास्ट बकेट, जो शार्प होती है, जो नीडल होती है, उनको वेस्ट बकेट में नहीं डालना चाहिए, ठीक है। नेवर रीकैप यूज नीडल, और यूज नीडल है उनको रीकैप नहीं करना चाहिए, उनको उनकी जो कैप है उनको वापस नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। व्हेन रीकैपिंग ए नीडल, अगर नीडल को रीकैपिंग की ज़रूरत अगर पड़ती है, वापस अगर उसको रीकैपिंग करना होता है, उस पर कैप लगानी है नीडल पर, तो वन हैंड स्कूप मेथड का यूज किया जाता है। तो वन हैंड स्कूप मेथड कैसे करते हैं कि जो नीडल की कैप है उसको एक सरफेस पे रखा जाता है, ठीक है, और सिरिंज विद नीडल हॉरिजॉन्टली ऑन ए फ्लैट सरफेस, ठीक है। तो दोनों को हॉरिजॉन्टली रखा जाता है, कैप और सिरिंज दोनों को एक फ्लैट सरफेस पे, ठीक है। उसके बाद में जो नीडल है उसको कैप के अंदर इंसर्ट कराया जाता है बाय वन हैंड, ठीक है। तो एक वन हैंड का यूज करके ही जो नीडल है उसको कैप के अंदर इंसर्ट करवाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में जब नीडल है जो कैप के अंदर इंसर्ट हो जाती है, उसके बाद में दूसरे हैंड से कैप को टाइट कर दिया जाता है, ठीक है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ठीक है। ये वन हैंड टेक्निक है, इसमें वन हैंड से ही कैपिंग करी जाती है, ठीक है, यूज नीडल की। उसके बाद में कैनुला, एक कैनुला इज ए फ्लेक्सिबल ट्यूब दैट कैन बी इंसर्टेड इनटू द बॉडी, ठीक है। कैनुला एक फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है जो कि बॉडी कैविटी में, बॉडी के अंदर इंसर्ट की जाती है, ठीक है। ए वीनस कैनुला इज इंसर्टेड इनटू ए वेन, ठीक है, वीनस कैनुला वो वेन के अंदर इंसर्ट की जाती है, जिसके द्वारा आईवी फ्लूइड या फिर मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, या फिर ब्लड के सैंपल भी लिए जा सकते हैं। उसके बाद में टाइप्स ऑफ आईवी कैनुला, आईवी कैनुला के टाइप्स हैं, आईवी कैनुला पेन लाइक मॉडल, आईवी कैनुला विद विंग्स मॉडल, आईवी कैनुला विद इंजेक्शन पार्ट मॉडल एंड आईवी कैनुला वाई टाइप मॉडल। अब देखते हैं, ये है सबसे पहले पेन लाइक मॉडल आईवी कैनुला का, ठीक है। उसके बाद में सेकेंड है विद विंग्स मॉडल, ठीक है, इसके आगे विंग्स जैसे स्ट्रक्चर है तो इसको बोलते हैं विंग्स मॉडल, और ये भी अलग अलग साइजेस में अवेलेबल होते हैं, छोटे से लेके बड़ा तक, ठीक है। तो सबसे बड़ी की साइज होगी 14 गेज, उसके बाद में 60 गेज, उसके बाद में 18 गेज, 20 गेज, 22 गेज एंड 24 गेज। विद इंजेक्शन पार्ट मॉडल, इंजेक्शन पार्ट मॉडल के लिए ये कैनुला, वाई टाइप मॉडल, ये है वाई टाइप मॉडल कैनुला, ये भी अलग अलग साइज में आते हैं, और ये भी इंजेक्शन पार्ट मॉडल है, ये भी अलग अलग साइजेस में आते हैं, अडल्ट से लेकर पीडियाट्रिक तक के मॉडल, ठीक है।
अब जो कलर के हिसाब से जो कैनूला आते हैं कलर कोडिंग के हिसाब, जैसे आप इनमें कलर देख रहे हैं, ठीक है, इन कैनूला में ग्रीन, ठीक है, पिंक, ब्लू, येलो, ये कलर देख रहे हैं, तो उस कलर के हिसाब से जो साइज क्या क्या साइज के होते हैं, ठीक है, और क्या क्या उनका यूज होता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले ऑरेंज कलर का जो कैनूला होगा वो उसकी साइज क्या होगी, 14 गेज की होगी, ठीक है, और उसका जो लेंथ होगी वो 45 mm की होती है, ठीक है, और उसके अंदर ये रिकमेंडेड यूज़र, ठीक है, किसके लिए यूज किया जाता है, तो ट्रॉमा पेशेंट के लिए, जिसके ट्रॉमा हो गया हो या फिर रैपिडली ब्लड ट्रांसफ्यूज करना हो या फिर सर्जरी के दौरान इस कैनूला का यूज किया जाता है। उसके बाद में सेकंड है ग्रे कलर, ग्रे कलर का 16 गेज का कैनूला होता है, ठीक है, इसकी लेंथ भी 45 mm होती है और ये भी रैपिड फ्लूड रिप्लेसमेंट के लिए यूज किया जाता है, ट्रोमा में यूज किया जाता है, रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद थर्ड है ग्रीन कलर, ग्रीन कलर का 18 गेज नंबर का कैनूला होता है, इसकी साइज होती है 32 mm, ठीक है, और मतलब लेंथ होती है इसकी 32 mm। उसके बाद इसको किस लिए यूज किया जाता है, फॉर रैपिड फ्लूड रिप्लेसमेंट, ट्रोमा एंड रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। उसके बाद में होता है पिंक कलर का कैनूला, जो कि 20 गेज का होता है, 20 गेज साइज होती है और इसकी लेंथ होती है 32 mm की होती है। इस ये भी मोस्ट इन्फ्यूज़न कैनूला होता है, रैपिड फ्लूड ट्रांस रिप्लेसमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, ट्रोमा में यूज़ कर सकते हैं और रूटीनली जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है वो इससे कर सकते हैं। उसके बाद में ब्लू कलर का कैनूला, जो कि 22 गेज साइज का होता है और इसकी लेंथ होती है 25 mm, और ये भी मोस्ट इन्फ्यूज़न कैनूला है न्यूनेट के लिए और पीडियाट्रिक के लिए, ठीक है, और ओल्डर अडल्ट्स के लिए इसको यूज किया जाता है फॉर रूटीन ब्लड ट्रांसफ्यूजन और मेडिकेशन के लिए इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद में येलो कलर का कैनूला, जो कि 24 गेज साइज का होता है और इसकी लेंथ होती है 19 mm, इसको भी न्यूनेट, पीडियाट्रिक और ओल्डर अडल्ट्स के लिए इसको यूज किया जाता है और रूटीन ब्लड ट्रांसफ्यूजन, न्यूनेट और पीडियाट्रिक ब्लड ट्रांसफ्यूजन और मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद में पर्पल कलर का कैनूला जो होता है वो 26 गेज का होता है और 19 mm लेंथ होती है, जो कि पीडियाट्रिक्स एंड न्यूनेट के लिए भी इसको यूज किया जाता है। ओके, थैंक यू।